मंदसौर मंडी के अंदर जो है लहसुन की काफी आवक हो रही है। यहाँ दो क्वालिटी की जो है लहसुन आती है, एक देसी और एक ऊटी। हमारे साथ मंडी व्यापारी अशोक जी मित्तल हैं, इनसे बात करेंगे कि मंदसौर के अंदर कितनी आवक आ रही है और क्या भाव है। अशोक जी, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो मंदसौर मंडी के अंदर कितनी आवक अभी हो रही है और क्या भाव आ रहा है? अभी मंडी के अंदर 25,000 कट्टे आ रहे हैं और ऊटी बिक रहा है 9,000 रुपए से लगा के 12,000-12,500 रुपए, और देसी लहसुन की पोजीशन है इधर 6,000 रुपए से लगा के 10,000 रुपए तक। मतलब देसी का कहे तो 10,000 रुपए और ऊटी कहे तो 12,500-12,500। हाँ, उसे क्या अभी कोई रेट में उछाल आया है या आने वाला है? नहीं, आया अभी दो दिन में 4-5 रुपए उछाल आया अभी। अच्छा, मतलब 500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से उछाल आया है। उछाल आगे और उछाल आने वाला है कि और वो आवक और डिमांड के ऊपर है। आवक अगर कम रहती है और डिमांड अच्छी रहती है तो और उछाल आ सकता है। अभी क्या स्थिति आवक और डिमांड? आवक जितना चाहिए उतना आ रहा है, बराबर आ रहा है आवक तो, और डिमांड भी थोड़ा कमजोर है, हल्का था। अच्छा, डिमांड कम है। हाँ, डिमांड थोड़ा कम है, थोड़ा कम है। आमदनी ज्यादा है और डिमांड थोड़ी कम है। अच्छा, तो करीब 20,000 बोरी के कट्टे जो है वो प्रतिदिन यहाँ आवक हो रही है, और देसी की अगर बात करें तो 10,000 तक जो है बेस्ट क्वालिटी का लहसुन है वो बिक रहा है। इसके अलावा अगर ऊटी की बात करें तो वो 12-12,500, और अगर बेस्ट उससे भी अच्छी क्वालिटी होगी तो 13,000-14,000 तक भी मंदसौर मंडी के अंदर जो है ये लहसुन जो है बिक रहा है। तो पिछले 2-3 दिनों में अगर हम जो मुकेश जी अशोक जी बात कर रहे थे कि करीब 500 रुपए का उछाल लहसुन में देखने को मिला है, और अभी सप्लाई है वो पैरेलल है, मतलब बराबर है, जितना आवक हो रही है उतनी ही जो है डिमांड भी है। मार्केट टाइम्स के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा।